सर्दियों में गर्मा गर्म हरे मटर और आलू की बनी घुगनी का नाश्ता मिले तो क्या बात है। आइए जानते हैं ये कैसे बनती है। वीडियो शुरू करने से पहले दोस्तों, आप मेरे वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर करिएगा और नीचे दिए गए बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करिएगा ताकि मैं तो चलिए जानते हैं ये कैसे बनाई जाती है। सो फ्रेंड्स, आइए सबसे पहले इसके इंग्रेडिएंट को जान लेते हैं। सबसे पहले हम ये ताज़े ताज़े हरे मटर ले लेते हैं, तकरीबन 1 पाव के करीब ये ले लेते हैं। मैं 5 फैमिली मेंबर के हिसाब से आपको बता रही हूँ। ये देखिए, सबसे पहले मैं हरा मटर ले लेती हूँ फ्रेश, और फिर उसके बाद हम लेते हैं ये आलू, जिसको इस तरह छोटे छोटे पीस में हम काट लेंगे। ये देखिए, उसके बाद हम ये हरी मिर्च ले लेते हैं तकरीबन 4 से 5। फिर ये देखिए दोस्तों, सर्दियों में हरे लहसुन की पत्तियां आती हैं, हम उन्हें ले लेंगे, कम से कम 1-2 लहसुन की पत्तियां। फिर हरी धनिया की पत्ती और सारे मसाले क्या पड़ेंगे, बहुत सिंपल से हैं, उसे उन्हें चलिए हम कढ़ाई में डालते समय आपको बताते हैं। ये देखिए दोस्तों, सबसे पहले हम गैस पर कढ़ाई चढ़ा लेते हैं, उन्हें अच्छे से गर्म कर लेंगे कढ़ाई को। और कढ़ाई गर्म होने के बाद, अच्छे से आप कढ़ाई गर्म कर लीजिएगा दोस्तों, उसके बाद हम 4 से 5 टेबलस्पून सरसों का तेल डाल लेते हैं। तेल जब तक गर्म ना हो तब तक आप इसमें कुछ भी मत डालिएगा। जब ये अच्छे से गर्म हो जाए तब हम उसके बाद इसमें ये देखिए 1 टेबलस्पून जीरा डालेंगे और उसे अच्छे से लाल कर लेंगे हम लोग, उसे ब्राउन कलर के शेड में आने तक इसे लाल करेंगे। फिर उसके बाद हम इसमें हरी मिर्च का तड़का देंगे। हरी मिर्च का तड़का जब सब्ज़ी में पड़ता है दोस्तों, ये किसी भी डिश में कितनी टेस्टी आती है वो तो आप जानते ही हैं। ये देखिए, हमने उसको सॉटे कर लिया। अब हम लहसुन की पत्तियों को डालेंगे और उसे भी ऐसे अच्छे तरीके से उसे सॉटे कर लेंगे। जब ब्राउन अच्छे पिंक कलर में, ये ब्राउन या पिंक कह लीजिए आप, ये हो जाएंगे तब हम इसको इसमें हरे मटर डालेंगे। ये देखिए, हमारे सॉटे हो गए हैं। अब हम इसमें हल्का सा कलर लाने के लिए दोस्तों, आधे चम्मच हमने हल्दी को डालकर अच्छे से इसे भून लिया है। जब ये हल्दी अच्छे से भून जाए तब हम इसमें हरी मटर डाल देते हैं। फिर उसे अच्छे से हम इसे मिक्स कर लेते हैं। जब ये अच्छी तरीके से मिक्स हो जाएगा तब हम इसमें आलू, जो छोटे कटे हुए आलू हैं, उन्हें भी हम अच्छे से डालकर मिक्स कर लेंगे। अब ये हमारे हरे मटर मिक्स हो गए हैं, अब हम इसमें आलू डालते हैं। इसमें ज़्यादा कुछ भी नहीं पड़ता है दोस्तों, बहुत सिंपल सी ये डिश है जिसे हम घुगनी कहते हैं, और इसको बनाना भी बहुत आसान है और ये बहुत जल्दी बनकर रेडी होता है। आप चाहे तो बच्चों की स्कूल टिफ़िन में भी इसे बनाकर आप दे सकते हैं, ऑफिस में भी अपने हस्बैंड्स को दे सकते हैं, और चाहे तो आप इसे शाम के टाइम भी, ब्रंच के समय आप इसको बनाकर खा सकते हैं। ये बहुत आसान है और खाने में तो बहुत टेस्टी है दोस्तों। अब हम इसे अच्छे से चलाकर फिर इसे ढककर कम से कम 10 मिनट तक के लिए इसे पकाएंगे और बीच बीच में इसे चलाते रहेंगे ताकि ये नीचे से जले ना। इसको हम अच्छे से चला लेंगे। जब ये अच्छे तरीके से मिक्स हो जाएगा तब हम इसे ढककर थोड़ी थोड़ी देर पर इसे चलाते रहेंगे और तकरीबन 10 मिनट बाद ये पककर तैयार हो जाएगा। ये देखिए, मैंने इसे बीच बीच में चलाया था, आप इसे चलाते रहिएगा। ये देखिए, बहुत जल्दी और बहुत टेस्टी बनकर रेडी होती है ये हमारी डिश, जिसे घुगनी कहते हैं हम।
क्या बात है, वाओ, ये देखिए क्या महक है। आप इसे ज़रूर बनाकर अपने घर में ट्राई कीजिएगा दोस्तों। अब मैं इसे बॉल में पलट देती हूँ। ये देखिए देखने में कितना प्यारा लग रहा है दोस्तों, है कि नहीं। और इसे कोई भी बना सकता है, ये बहुत बनाने में आसान। अब हम इसमें हरे धनिए की गार्निशिंग कर लेंगे। और ये देखिए ये हमारी घुगनी, अब आप इसे खाने